यूरेनियम को लेकर पूरे देश में अलग अलग राज्यों में खोज जारी है जहां से यूरेनियम को निकाला जा सके, लेकिन आपको बता दें कि इसी कड़ी में एक बहुत बड़ी सफलता भारत के हाथ लगी है। अरुणाचल प्रदेश के पास यूरेनियम का एक भंडार भारत को मिला है, जिसके बाद से चीन भी मिला गया है। चीन इस बात को स्वीकार नहीं रहा है कि जिस इलाके में यूरेनियम का भंडार मिला है वो इलाका भारत का है। दरअसल जब यूरेनियम के भंडार मिलने की खबर बाहर आई, तब से लेकर अब तक चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स काफी बेचैन हो उठा है और वो लगातार कई तरह के विवादास्पद उलूल जुलूल बातें लिख रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने भारत पर भड़कते हुए लिखा है कि इस तरह के व्यवहार से भारत चीन सीमा बातचीत को नुकसान पहुंचेगा। बता दें कि चीन शुरू से ही अरुणाचल प्रदेश को अपना बताते हुए दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा होने का दावा करता रहा है। इतना ही नहीं, चीन के सरकारी भोपू ने भारत के यूरेनियम की खोज की प्रशंसा करने पर भारतीय मीडिया पर भी हमला बोला है। जहां पर ये यूरेनियम का भंडार मिला है वहां से ठीक 3 किलोमीटर की दूरी पर भारत चीन सीमा लगती है और वहां से महज थोड़ी ही दूर पर जब ये भंडार मिला है तो चीन बेकरार है। जिस क्षेत्र पर चीन अब तक दावा करता था कि वो उसका है, अब उसी क्षेत्र में यूरेनियम का मिलना और वो भी भारत के पाले में पड़ना उसका, ये चीन के लिए एक दुखद बात है और वो इससे परेशान है। ग्लोबल टाइम्स क्या लिखता है हम आपको बताते हैं। ग्लोबल टाइम्स ने अपने एक लेख में टाइम्स ऑफ इंडिया का जिक्र करते हुए कहा है कि भारत अरुणाचल प्रदेश में यूरेनियम का पता लग रहा है। ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि चीन सरकार ने कभी भी अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं दी है। उसने आगे लिखा कि भारत का दावा है कि ये उसका क्षेत्र है, जबकि चीन में इसे तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा या जांगनान के रूप में जाना जाता है। ग्लोबल टाइम्स यही नहीं रुका, उसने दावा किया कि अरुणाचल प्रदेश को पिछली शताब्दी में अवैध रूप से बनाया गया था, जिसमें चीन का 90,000 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा शामिल है। ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि अरुणाचल प्रदेश में भारत की खोजबीन की कोशिशों से सीमा बातचीत जटिल हो सकती है। उसने तो इसे एक तरफा भड़काने वाली प्रतिक्रिया तक करार दिया है। वहीं भारत शुरू से कहता आया है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा अभिन्न अंग है। भारत की अलग अलग पार्टियों की सरकारें कई बार संसद में और बाहर भी अरुणाचल प्रदेश को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर चुकी हैं। भारतीय अधिकारियों ने जब अरुणाचल प्रदेश और चीन की सीमा से महज 3 किलोमीटर दूर ये खोज कर डाली तो इससे चीन परेशान हो उठा। चीन कभी लद्दाख में तनाव पैदा करने की कोशिश करता है, कभी अरुणाचल से लगे बॉर्डर पर। वो तमाम इलाके जो चीन से लगते हैं लगातार उस पर तनाव पैदा करने की चीन की तरफ से कोशिश जारी है। हालांकि 10वीं बातचीत जो हुई थी सैन्य स्तर की भारत और चीन के बीच वो सफल बताई जा रही है, क्योंकि डिसएंगेजमेंट की जो प्रक्रिया थी वो उसके बाद से और भी ज़्यादा आसान हो गई है। लेकिन अब ये जो नया बयान सामने आ रहा है वो अपने आप में चीन की धूर्तता को सामने रखता है।